Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to our channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ गोवा घूमने, हाँ वीडियो के जरिए, और साथ ही मैं सिखाऊंगी एक गोवा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट लव्ड रेसिपी. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. गोवा गए थे हम बैंगलोर से गोवा बाय रोड. ये है कारवार. कारवार पहुंचते ही हम यहाँ पे एक समुद्र के किनारे आ गए थे. गोवा जाने में अभी थोड़ी सी देर थी, हमसे बस रुका नहीं गया और हमने कहा कि चलो यहीं पे थोड़ी देर रुक के समुंदर का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं. यहाँ पे हम स्टॉप हुए, फिर हमने थोड़ी सी सेल्फीज ली और बस सनसेट होने ही वाला था तो फिर हमने थोड़ा सा सनसेट इंजॉय किया और फिर हम चल पड़े गोवा की तरफ. गोवा पहुंचते ऑफिशियली हमारी रूम तक या फिर रिसोर्ट तक पहुंचते रात हो गई है. ये है चार्मिंग नाइट्स. मैं आपको लेटर इसका नाम है मैं बताऊंगी. ये हैं छोटे छोटे से हट्स बने हुए थे. लास्ट मिनट हमने बुकिंग की हुई थी तो प्रीटी मच अच्छी सी होटल या व्हाट डू यू से रिसोर्ट या रूम्स कुछ भी है ये मिल गए थे. बड़ी क्यूट सी जगह थी. अब गोवा पहुँच गए हैं तो सुबह तक का इंतज़ार कौन करता? हमसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने बैग्स को रूम में रखे और फिर हम चल पड़े बीच के पास डिनर करने के लिए हम गए थे. तो फिर जब हम बीच के पास पहुंचे, पहले तो मैंने सोचा कि रात हो गई है वहां पे तो कुछ नहीं होगा. फिर जब हम यहां पे पहुंचे तो मैंने कुछ और ही नज़ारा देखा. यहाँ पर तो ऑलमोस्ट कैंडल लाइट डिनर वाला सेटअप बना हुआ था और म्यूजिक भी चल रही थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी. इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी. सो हम लोगों ने वहीं पे डिनर किया. डिनर में हमने खाया, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम खाया था रेसिडो फिश यहीं पे. ये रेसिपी फर्स्ट टाइम में ही मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस आऊँगी और शेफ भैया के पास मैं रेसिपी सीखूँगी. ये वाली रेसिपी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, चलिए आगे बढ़ते. जैसे कि हर कोई जानता है लेडीज दे ऑलवेज आर रेडी फॉर शॉपिंग. तो मैं भी आई वॉज वेरी मच रेडी फॉर शॉपिंग. तो हम लोग जैसे जो हमारा रिसॉर्ट था उसके आगे ये शॉपिंग स्ट्रीट थी, हमने वहाँ पे शॉपिंग की. हाँ देखे चार्मिंग नाइट्स, आई वॉज राइट. तो ये डे वाला व्यू है. बच्चों के साथ गए थे तो पता नहीं कैसे हर कोई इतनी अच्छी से व्लॉगिंग करना मैनेज कर लेता है. ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो जैसे तैसे, पता नहीं एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, पता नहीं कैसे कैसे मैं व्लॉग बनाऊंगी. जैसे तैसे भी हुआ ऐसे ही व्लॉग बना. तो फिर शॉपिंग के बाद हम दोबारा से आ गए बीच के पास. आप देख सकते हैं अगेन बीच के पास सुबह का एक राउंड हो चुका था, तभी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद ही इतना ज़्यादा डेस्परेट थी समुद्र में खेलने के लिए. सो मैंने तो कहा नेक्स्ट टाइम बना लेंगे वीडियो, अभी तो मुझे बस बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय करना. फिर वहाँ से हम लोग गए बोट राइड में. वो लोग लेके गए पता नहीं कौन सा आईलैंड एंड ऑल काइंड ऑफ, मैं भूल गई सॉरी. नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो पक्का से याद से बताऊंगी. तो हाँ जी, अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बोट राइड. उन्होंने कहा कि डॉल्फिन दिखाने ले जाएंगे. हम जाते गए बहुत टाइम हो गया पर मुझे कोई डॉल्फिन तो नहीं नजर आई. टाइम पास भी करना था इसीलिए मैंने थोड़ा बच्चों को इधर उधर घुमाया और मैंने बच्चों को कहा कि कहीं कुछ समुंदर में नजर आ जाए कोई अच्छी सी फिश विश तो देख लेना, मुझे भी बता देना. ऐसे बोल के मैंने बच्चों को बिजी कर दिया एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. क्या रिकॉर्ड करती? पानी और फाजी. ये मुझे नजर आ गया सनसेट, तो मैंने सनसेट को ही रिकॉर्ड कर लिया. है ना बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया बट व्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पाई. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूंगी, अभी सीख रही हूँ ना, सीख जाऊंगी अच्छे से करना. तो ये हो रहा है. यहाँ पे हम लोग और थोड़ा थोड़ा आगे जाते गए और फिर
वो बोट वाले भैया बोलते गए कि अब यहाँ पे डॉल्फिन आएंगी, तो डॉल्फिन तो आए नहीं। वेट करते करते मैं भी थोड़ा सा बोर होने लगी, तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो पानी को, समंदर के पानी को हाई बोलते हैं और एक हाई फाइव, सॉरी हाथ नीचे है तो लो फाइव करते हैं। बस समंदर के पानी को हाई फाइव लो फाइव करते करते हम लोग अगेन और थोड़ा आगे बढ़ते गए। कोई और वहाँ पे आइलैंड था, वहाँ पे दो तीन आइलैंड पे वो स्टॉप करते हैं। हम लोग वहाँ पर भी उतरे थे बट मैंने वीडियो नहीं लिया बनाया क्योंकि मम हूँ, आई हैड टू लुक आफ्टर माय किड्स टू, क्योंकि बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि कभी उन्हें कहीं और भागना था, कभी कहीं और भागना था, और मुझे खुद भी एंजॉय करना था और बच्चों को भी एंजॉय करवाना था एंड सेफ्टी भी एंश्योर करना था। तो यहाँ पे ये मेरा हाथ है, मैं बच्चों को ऐसे ही बोल रही हूँ कि चुपचाप से बैठो और उधर देखो, वहाँ पे डॉल्फिन नज़र आएंगी। बोट वाले भैया बोलते रहे कि वहाँ पे डॉल्फिन है, हमें नज़र आ रहा है, उस साइड देखो, उस साइड देखो। तो मैं भी बच्चों को वही बोलती गई कि उस साइड देखो, उस साइड देखो, डॉल्फिन आ गई है। डॉल्फिन तो नज़र मुझे तो नहीं आई, वीडियो आपके सामने है, अगर आपको इस वीडियो में कहीं से डॉल्फिन नज़र आ जाए तो मुझे भी बता देना। बस बोट राइड एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े किनारे पे। फिर हम लोग वहीं पे रुक के थोड़ी और देर, और हम लोगों ने समंदर में बहुत बहुत ज्यादा से एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत ज्यादा खेला पानी में। मैं आखिर वीडियो पकड़ते कितनी देर रुकती, मन तो मेरा भी बहुत था समंदर में जाने का, तो फिर मैंने जितना हो सके कम वीडियो बनाया एंड आई वाज लाइक लेट मी एंजॉय माय सेल्फ नाउ। समंदर किनारे बहुत ज़्यादा वक्त बिताने के बाद हम लोग फाइनली अगेन दोबारा गए रेशेदो फिश खाने के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और वहाँ के एक रेस्टोरेंट से मैंने वहाँ का जो रेशेदो मसाला बनाते हैं उसका रेसिपी मैंने सीख लिया था, तो चलिए रेसिपी आपके लिए भी मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अबाउट 25 ड्राई रेड चिलीज और 1 inch का सिनेमन स्टिक, मैंने 3 pieces लिए हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक, गार्लिक क्लव 15 to 20, एक मीडियम साइज अनियन, ज़ीरा 1 teaspoon, 1 inch जिंजर का पीस और 2 कार्डमम या इलायची एंड क्लव मैंने 3 to 4 लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लिया है विनेगर 1/2 cup एंड शुगर 1.5 teaspoon एंड मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड टैमरिंड पल्प था तो वो मैंने 1 tablespoon लिया है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में विनेगर डाल के जो रेड चिलीज मैंने लिया था उसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया है फॉर अबाउट 2 hours। मीनवाइल यहाँ पे मैंने तवा पे बिल्कुल ज़रा सा ऑयल, 1/2 teaspoon ऑयल डाल के अनियन, जो कि मैंने 1 medium साइज अनियन लिया था, उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने तक उसको सॉटे कर लूँगी। सॉरी ये वीडियो बहुत तेज चल पड़ा है और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। एनी हाउ मैंने रेसिपी लिख दी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे चिली सोक हो चुकी हैं अच्छे से, अभी इस चिलीज को मैं जो विनेगर है उसी के साथ मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो भी मसाला आपको नज़र आ रहा है, जिंजर, सिनेमन एंड टर्मरिक, ब्लैक पेपर, ये सारा कुछ मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो टैमरिंड मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड पल्प था या जूस है उसको भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शुगर 1.5 teaspoon लिया है क्योंकि इस रेशेदो मसाले का वही स्पेशलिटी होता है, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा ऐसे वाला तीखा सा, एक बहुत अच्छा टैंगी सा टेस्ट होता है इसका। बेसिकली पहले तो मैंने सोचा कि मैं रेशेदो मसाले का फ़िश बना के और वीडियो बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा हमारे वेजिटेरियन व्यूवर्स को
ये इजी होगा अगर मैं सिर्फ इसका जो मसाला है उसी का रेसिपी शेयर करूँ, ताकि मेरे वेजिटेरियन व्यूवर्स इस सुपर यम्मी रेसिपी या फिर मसाले के साथ अपनी वेजिटेरियन डिशेस जैसे कि पनीर, सॉल्टेड वेजीज एंजॉय कर सकें। और मेरे नॉन वेजिटेरियंस, आपके पास तो फिश है ही, आप फिश बना सकते हैं, प्रॉन्स बना सकते हैं एंड चिकन भी इसके साथ, इस मसाले से बना बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। तो मेरे और मेरी फैमिली की, मेरी फ्रेंड सर्कल में हर किसी की ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन चुकी है। आई होप आप सबको भी ये रेसिपी अच्छी लगे। आई बी बैक अगेन विद अनदर सुपर इजी एंड सुपर यम्मी रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड प्लीज Do not forget to support my channel. Thank you.